तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और नव्यांश को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और हम चलते हैं अभी, फटाफट से रेडी होते हैं। और 11:30 हो गया, आज नव्यांश के स्कूल से फ़ोन भी नहीं आया है और दिन डेली आ जा रहा था कि नव्यांश को लेने आओ, बहुत परेशान कर रहा है। तो उसे UKG से LKG में भी बैठा दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कर भी नहीं रहा है वहाँ पे अभी इतना। वो नव्यांश को स्कूल से लेके आते हैं, उसके बाद हमने जाना है थेरेपी के लिए। उसके बाद मैंने गाड़ी का नंबर लगाने भी जाना है, तो हस्बैंड का फ़ोन आया था कि गाड़ी का नंबर लगा के आओ क्योंकि आ गया है अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते आ गया था मतलब कि। तो मैंने कहा चलो फटाफट से चलते हैं, रेडी होते हैं। यहाँ देखना नव्यांश ने रूम कैसा कर रखा है, अभी तक मैंने समेटा हुआ नहीं है। तो फटाफट से रेडी होते हैं और नव्यांश को लेके आते हैं। ये कुर्ती मैंने मीशो से ली थी, इसका शॉर्ट वीडियो आ गया होगा आई थिंक, या नहीं आया अभी, आने वाला होगा। मैंने बनाया तो है, दादा नहीं आई थी। तो चलो फिर चलते हैं, चश्मा लगा लेते हैं ना, धूप ज़्यादा है आजकल। तो ये इसके साथ तो प्लाजो आया है, बट मैंने यहाँ पे वाइट लेगिंग पहनी हुई। नव्यांश स्कूल के बाहर खड़ी हूँ मैं, अभी टाइम है, थोड़ा सब्जी वब्जी लेके आई, फिर भी टाइम है। पता नहीं आज कैसे रहेगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरा बेटा इतना देर रह गया आज। बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है वैसे। बस यहाँ पे छाया में खड़ी होती है, स्कूटी वहाँ पे लगा रखी है मैंने। मैंने कहा तब तक जल्दी आ गई ना, 11:30 बजे आ गई थी घर से। मैंने कहा सब्जी वगैरह लेनी कुछ मम्मी लोग, क्योंकि मंडी नहीं जा पाए थे ना, परसों मंडी लगी थी। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस वेट करते अपने राजा बेटे का। आज मेरा बेटा नहीं रोया है, चले घर को, चलो भी चलो। हम पहुंच गए घर, कपड़े बदलने, लोअर नहीं बदली मैंने अभी, लगी मेरे नवी, मेरा गुड्डा बॉय। आज लोअर नहीं कहा पड़ा आपने, बता दे यार। बहुत धूप है भाई बाहर। हमने वहाँ से कैब कराई, मतलब ऑटो मिला हमें, कैब जितनी कराई थी राइड में सब कैंसिल हो जा रही थी, तो मैंने ऑटो बुक कराया। उसके बाद मैंने कहा जो गया चलो नव्यांश मॉल चलते, बाहर देखने कैसे हो गया, इतना हिला दिया ना उस ऑटो वाले ने बहुत ज़्यादा। तो नवी खेल कर रहे, नवी क्या कर रहे हो, चलो आओ नवी के लिए थोड़ा सा कपड़े देखते हैं। गाइस मैं कुछ लूँ ना लूँ बट मुझे बैग चाहिए। नवी नीचे आओ, नीचे उतरो बेटा, मुझे लग रहा है अभी यहीं से लेना पड़ेगा, मार्केट जाने का तो हमें कुछ है नहीं। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, है ना, लेकिन स्लिम बैग नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए मुझे। स्लिम बैग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। नव्यांश फिर हमने ऑटो पकड़ लिया, एक ऑटो आपके पास घर में है? नहीं बेटा ऑटो नहीं लेगी मम्मा, पता नहीं, नहीं। अब मैं बिल कटा लो, मेरे पास तो पर्स भी नहीं है, मैं कहाँ से कटाऊंगी बिल। टैडी कितनी सुंदर सुंदर है ना, टेम्पो वाले ने 20 रुपीज दिए खाली। चलो आओ टैडी पे, कितना अच्छा देखो, ये देखो प्यार प्यार से किट्टू के पास ऐसी है ना, लाइट क्रीम कलर का है लेकिन ऑफ वाइट, ये तो थोड़ा ब्राउनिश टाइप का है। गलत सेशन में घुस गए हम लोग यहाँ पे, आ जाओ। ये चीज़ें नहीं लेनी बेटा, सब ताई लोग डांटते हैं नवी की, मेरी दीदी लोग की, तू मतलब ऐसे सामान को लेती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं लेना चाहिए ना, सही बात है, मुँह नहीं लगाना चाहिए बच्चों को ज़्यादा। स्टडी टेबल देख रही थी मैं, ये अच्छी क्वालिटी है मतलब ये वाली है ना, और ये वाली जो क्वालिटी थी ये तो नवी ने तोड़ दी है पहले ही, ऑलरेडी एक तोड़ चुका है। नव्यांश इधर आ जाओ, आओ इधर आओ। गाइस हमने ऑटो बुक करा है ओला से, लेकिन अभी आया नहीं है, 10-15 मिनट दिखा रहा है और वेट, और मतलब लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है, 5 मिनट करके 10 मिनट हो गए हैं, बस आने वाला है, उसके बाद हम चलते हैं। बहुत आंधी तूफान चल रहा है ना, और स्कूटी तो ला नहीं सकती थी नवी के साथ, यहाँ पे बहुत रश होता है क्योंकि मार्केट में, तो इसलिए कैब करके यहाँ तक कैब में आए, फिर उसके बाद यहाँ से ऑटो बुक करके जा रहे घर को। पार्क लगा हुआ है नवी यहाँ पे, पहुंच गई हूँ होंडा के शोरूम, अब नंबर पे लगने वाली है, तो मैं जाती हूँ अंदर, पहले बात करती हूँ मैं इनसे। अभी काम चल रहा है, आ गया ना मैम नंबर, ज़्यादा टाइम लगेगा नंबर, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। अच्छा मैं पता नहीं लाइसेंस लाई नहीं या गिर गया, मुझे लग रहा है
ये दिया है नंबर प्लेट, देखते हैं क्या नंबर आया है। वैसे गिरा तो नहीं होगा अंदर, गिरा तो नहीं यहाँ पे। खैर दोबारा ऊपर आई मैं, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे करके अब जाते हैं नीचे। कुसुम के नाम से ना? हाँ जी मैम, कुसुम के नाम से। 250 रुपये ले रहे हैं गाइस कवर के। आज तो है नहीं वो कवर, भाई ने तो बोला मेरे मत लगा, लेकिन मैं चल लगा ही लेती हूँ यार। खाली कोई कहेगा कि 250 रुपये के लिए इसने नहीं लगाया। गाड़ी नीचे गई है, अभी टाइम लगेगा शायद 10-15 मिनट लगेंगे, बस फिर चलते हैं घर को। नव्यांश ने मेरे से वो टॉय मंगाया है, जिसको क्या बोलते हैं मुझे नाम तो पता नहीं है प्रॉपर, मारो ना जो हिलता नहीं वो टॉय जैसा, वैसे ही मंगाया है। देखते हैं कहीं पर मिलता है तो लूँगी। दिखाती हूँ मेरी गाड़ी का नंबर, तो ये है मेरी गाड़ी का नंबर, UK07F DO171। इस फ्रेम के लिए इन्होंने 250 रुपये यहाँ तो दे। ठीक है चलो चलते हैं, अब नंबर से पहचानना पड़ेगा, अभी तक तो मैं पहचानती थी ना जिसके इसमें नंबर नहीं है ऐसे। चलो अब चलते हैं, फर्स्ट टाइम लेके आई मैं, हस्बैंड भी कह रहे थे आराम से जाना, तो बस चलते हैं, आराम से जाऊँगी क्योंकि मुझे डर लगता है ना। हाँ सेट है, मतलब ऐसा भी सेट नहीं है कि मैं बिल्कुल भीड़ में वो कर लूँ ना। तो चलो ठीक है, अब सीधे घर में मिलते हैं। मैं घर पहुँच गई हूँ, नवे के लिए दही और पनीर भी लिया, पता नहीं नवे उठाया सोया है ये नहीं पता मुझे। दादाजी हैं घर में बस, और नव्यांश तुलसी मैं को हाथ लगाते ना, मैं जहाँ से भी आते कहते बच्चे डरते नहीं हैं, अपना अपना है। हो शाम भी होगी, 6:30 हो गया मुझे लग रहा है, आज पानी भी नहीं आया ना हमारे यहाँ पे, बीच से खुला है ना तो पानी आने आता, पैर धो के जाते हैं मेरे को। देखते हैं नव्यांश मेरा उठाए नहीं उठाए। गाइस हम शाम को घूम रहे थे और नव्यांश कह रहा पहले मैं अपनी मम्मा की गाड़ी का नंबर देखूंगा, तो देखो नव्यांश नंबर है मम्मा की गाड़ी का, ये देखो ना यहाँ से। हाँ चलो आगे से देख लो कहाँ पे है, पढ़ो ये। हाँ यस, कैसे लगा आपको नंबर? अच्छा है, चलो ठीक, थैंक यू। बस अब हम घूम रहे हैं इवनिंग वॉक में, 7 बज रहा होगा, तो बस इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।